गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा चलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू एक चैप्टर। मैं बोला भी था कि आपका कॉनिक सेशन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही थोड़ा बहुत आपका, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जिसका स्ट्रांग हो जाता है एक बार, तो इसको आप मान सकते हो वही वाला जो हम घर पे हमारा माँ का रोल है, कणिक में स्ट्रेट लाइन का उसी रोल है। इसको अगर अच्छे से कर लिया आपने तो बहुत कुछ इजीली समझ जाओगे थोड़ा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन का नंबर ऑफ सेशंस जो है थोड़ा ज्यादा होगा, लगभग 12 या 13 लेक्चर्स मैंने रखा है इसीलिए, क्योंकि बहुत कुछ है। ठीक है, और कॉनिक पोर्शन ऐसा भी एक पोर्शन है जहाँ की आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, बाकी में भी कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। इसमें क्या जरूरी होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको डायग्राम मतलब ड्रॉ करने आना चाहिए। बाकी में ड्राइंग का कुछ उतना नहीं था, बट आपको कॉनिक्स में ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे साइड से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है क्योंकि साइड में थोड़ा शादी चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग आज के लिए कर लो, आई गेस इसके बाद ठीक हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यस तो सर। वही बात है कि आपका जो मैं भी एकदम आपको ड्राइंग मतलब जो डायग्राम से सबको ड्राइंग करके दिखाऊंगा एकदम जितना हो पाएगा, डिराइवेशन बोलो एंड बाकी जितना भी है। तो आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से समझना है। ड्राइंग अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो आपका नहीं होगा। क्वेश्चन जितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ नहीं पाओगे, और मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन मैं दे दूंगा आपको तो आपको इजिली ड्रॉ करने आना चाहिए। देखते ही समझ जाना है कि हाँ स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी है। तो आपको थोड़ा इस चीज के नजर रखना है और इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि डायग्राम नहीं समझोगे तो कंसेप्ट से बना नहीं पाओगे पर इसका प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो फिर। तो पहला जो चीज है हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो आज का ही पहला टॉपिक रहेगा आपका। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन सो बेसिकली होता क्या है, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश सॉरी वाई डैश एंड एक्स। तो पहला जो चीज आता है बेटा आपका कि ये तो आप जानते हो ओरिजिन है जिसको ओ से लिखते हैं हम। अच्छा, अगर मैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेकेंड क्वार्टर, इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ। आप लोग जानते भी हो राइट? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या है, इसमें मान लेते हैं कि इधर मैंने कोई पॉइंट लिया, ऐसा एक कोई पॉइंट मैं ले रहा हूं, मान लेते ये वाला एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। और मैं आपको पूछ रहा हूं बेटा कि ये जो क्वाड्रेंट मतलब पॉइंट जो है, इसका जो दोनों क्वाड्रेंट आएगा एक्स एंड वाई, ये दोनों के दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या क्या होगा? दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। चलो, मतलब होगा। क्योंकि सर ऐसे अगर मैं करूंगा तो सर ये वाला आपका इधर से पॉजिटिव साइड का एक्स जा रहे हैं हम, और फिर पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, तो दोनों ही प्लस एंड प्लस, क्योंकि हम जानते हैं सर ये वाला +1 +2 +3 +4 ऐसे, ये वाला एक्स का नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऊपर में वाई का पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नीचे के -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट? आप जानते हुए सब, तो ये आपके लिए नया कुछ नहीं है, बट मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही बोला जाए।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई अगर पॉइंट लेंगे तो इसका क्या बनेगा बेटा? इसका आपका सिंबल क्या बनेगा? प्लस माइनस, पहले माइनस देन आपका प्लस, क्योंकि एक्स का नेगेटिव में आएगा ना। जैसे कि ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे करूंगा, देखो आप, तो आपको पहले इधर से ओरिजिन से नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा इस साइड में, तो पहले ही एक्स आ जा रहा है आपका नेगेटिव, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा एंड प्लस जो है वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, समझे? इसके बाद जो आएगा आपका बेटा थर्ड क्वाड्रेंट वाला, इसका क्या आएगा? माइनस माइनस, यस बेटा, ये माइनस माइनस। एंड फोर्थ वाला जो है आपका ये, इसका क्या आएगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये सर बहुत इजी वाला चीज था, ये हम जानते भी है, थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ। ये फर्स्ट के लिए आपका आएगा प्लस प्लस, सेकेंड के लिए आएगा माइनस प्लस, थर्ड के लिए आएगा माइनस माइनस, फोर्थ के लिए प्लस माइनस, ये आप जानते भी हो, ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज क्या करेंगे हम इसमें, यही वाला डायग्राम फिर से लेना था, ठीक है, और एक डायग्राम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये वाई एंड एक्स एक्सिस, ठीक है? अब मानते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था अभी अभी, ये वाला मेरा ओरिजिन है जो कि ओ, और मैं क्या करूंगा इसमें अभी एक पॉइंट लूंगा पी, और जिसका क्वाड्रेंट मैं लिख रहा हूं एक्स कॉमा वाई। कोई मुझे बोल सकता है एक्स कौन सा वाला होगा, वाई कौन सा वाला होगा? एक्स एक्सिस पे जो प्रेजेंट वो एक्स और वाई एक्सिस पे जो वाई। एक्स एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट हुआ है वो एक्स। अच्छा, तो अगर मैं बोल सकता हूँ बेटा ऐसे कि आपका ये, अगर इधर से मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेता हूं, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा मेरा, ये कितना बनेगा? एक्स ना बनेगा ये? और सर ये, और बेटा ये वाला अगर एक्स होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला डिस्टेंस भी आपका एक्स ही होगा। yes. ये वाला डिस्टेंस को मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना, ये एक्स है तो ये एक्स, और इसको मैं सोच सकता हूँ ना ये पॉइंट P पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से, वाई एक्सिस से। मतलब मैं इधर से कंक्लूड कर सकता हूं ना कि सर एक्स को, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट जो भी होते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट जो भी होते हैं, वो बेसिकली क्या बोलता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। आपको ऐसे याद रखना है, मैं अगर बोलूंगा कि 1, 2, इसका मतलब क्या है? वन है, वन क्या है सर? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, आपको ऐसे याद रखना है। और वाई क्या हो जाएगा सर? वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस। कैसे हो रहा है देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा मेरा? वाई होगा। तो सर ये वाई है तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी, मतलब यही वाला तो वाई हो जा रहा है ना, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से हो रहा है आपका ये। मतलब y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सर कि x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कि y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब थोड़ा क्रिस क्रॉस जैसा भी बात हो गया। मतलब x कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं y एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट में लिखते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस। तो अगर मैं बोल दूं आपको इसमें कि सर बेटा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना आएगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दोनों ही कितना आएगा? सर एक्स और वाई। कौन सा वाला एक्स बेटा, कौन सा वाला वाई? सर फर्स्ट वाला वाई आएगा और दूसरे वाला एक्स। हाँ, इधर एक्स दिख रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हो ये वाला वाई होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपका इस पॉइंट का वाई है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका इस पॉइंट का कितना है, एक्स। समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। दूसरा हम क्या देखेंगे अभी,
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब जो पॉइंट अभी मैंने लिया था, कौन सा वाला पॉइंट लिया हूं इधर में, पॉइंट कौन सा वाला लिया हूं बेटा, पॉइंट पी लिया हूं, तो मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर जो मैंने अभी अभी पिंक कलर से ड्रॉ किया। बात समझ रहे हो मेरा? यस सर। तो ये वाला मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बोल पाएगा कि ये वाला कैसे होगा या क्या होगा? देखो ये वाला तो 90 डिग्री है सर, ये वाला x है तो ये वाला y है, तो बेसिकली इस ट्रायंगल का भी तो ये बेस x बन जाएगा और हाइट y बन जाएगा, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बन जाएगा सर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कुछ अलग चीज नहीं है, मैं न्यू चीज नहीं बता रहा हूँ, ये आप जानते हो, बट आपको ना सोचना ऐसे पड़ेगा। अगर मैं अचानक से आपको बोल दूं बेटा कोई एक क्वाड्रेंट है, मतलब क्वाड्रेंट है 3, 2, आप मैं पूछूंगा बेटा आपको कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, आप डायरेक्ट छटाक से बोलना चाहिए बेटा कि अंडर रूट 3² + 2² ऐसे याद रखना है। अगर मैं बोलूँ ये 3 क्या है, आप बोलोगे सर 3 एक्स कोऑर्डिनेट है, ये नहीं बोलना, ये तो सबको मालूम है 3 है, इसका मतलब है सर वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस बोला जा रहा है, और ये 2 है ये एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस बोला जा रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। बात समझ आया मेरा? यस सर। तो चलो अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये वाला प्रॉब्लम मैंने रखा था। अच्छा ये क्या बोल रहा है, बेसिकली देखना इतना बेसिक मैंने दिखाया, इधर से भी प्रॉब्लम आ गया। ये मेन सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी मैं कराऊंगा, मैं कुछ नहीं बोला, देखो जस्ट थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस माइनस वाला चीज है, थोड़ा ये कहां से कौन सा वाला पोर्शन आप ले सकते हो और कैसे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, इसके ऊपर ही प्रॉब्लम दे दिया। देखो कितना बेसिक चीज से दे दिया है प्रॉब्लम, बट थोड़ा आपके सोच के करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। लेट ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट में से दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए का नहीं दिया है। बी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, विथ ए सी एज इट्स हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। चलो पहले इतना तक थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बी का और सी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो 1, 2, 1 मैं बैठा सकता हूँ, हाँ सर बैठा सकते हो, तो मैं बैठा रहा हूँ, मान लेते ये वाला मेरा 1 है, ये वाला मेरा 2 है, एंड ये वाला मेरा 1 है, मतलब 1, 1 मेरा इस टाइप इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको करने जाऊंगा तो यस सर, कोई बोल सकता है 2, 1 कहाँ होगा? 2y की सीध में होगा, ये 2 के ठीक ऊपर होगा, इसी लाइन के ऊपर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मतलब सर ये वाला बन जाएगा आपका 2, 1, मतलब इधर से मुझे पता क्या चल रहा है, दोनों पॉइंट सेम ही लेवल पे है क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है ना। यस सर। अच्छा ये कौन कौन सा पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो लिख दो इसको कि पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद ए सी ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। अब देखो ए कहाँ पे लेने से ए सी हाइपोटेन्यूज बनेगा और ए एंगल 90 होगा, तो मैं बोलूंगा सर मैं इधर बैठा सकता हूँ ए को, और अभी ये वाला पॉइंट ले लो, तो इधर से अगर मैं करूंगा तो ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से AC मेरा क्या बन जा रहा है, हाइपोटेन्यूज बन जा रहा है, तो मेरा ये बन जा रहा है बेसिकली ट्रायंगल। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये तो सर हम नीचे के साइड भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत, आपने ऊपर ही क्यों लिया? डेफिनेटली नीचे के साइड भी आपका लेना पड़ेगा, वो वाला भी कंसिडर करके आंसर निकालना पड़ेगा, बट पहले हम ये नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ही से मतलब ये वाला सीखेंगे, नहीं तो दो अलग अलग प्रॉब्लम बन जाएगा। और ए का आपका कोऑर्डिनेट दिया है h, के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कुछ दिया है क्वेश्चन में?
इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज वन, अच्छा मतलब ये ट्राइंगल का एरिया भी दिया है, टोटल ट्राइंगल का एरिया दिया है आपको, वन स्क्वायर यूनिट मतलब ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू वन यूनिट का स्क्वायर। कोई मुझे बोल सकता है कि ये जो एच है ना, एच को हम इधर से निकाल सकते हैं, थोड़ा अगर डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो यस सर क्या होगा सर, कितना होगा आप पहले पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा बोलो सर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इतना इतना सोचना ही नहीं है, मैं इसीलिए स्टार्टिंग में हाँ आप पाइथागोरस से कर सकते हो, बट इतना सोचना नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा आपको पहले वाला चीज में बोल रहा था। अभी क्या बोला, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है आप बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब मुझे ये वाई एक्सिस सामने दिख रहा है, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, और यही डिस्टेंस आपको नीचे भी दिया है क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है ये बी का वन है, मतलब ये वाला वन है, ये वाला वन है, ये वाला लेंथ वन है और ये वाला लेंथ आपका वन है, क्योंकि मैंने बी का ऑलरेडी निकाल के रखा है क्वेश्चन में दिया था, तो मेरा ये तो वन ही बन रहा है और इसका पैरेलल ऊपर भी तो वन ही बनेगा, मतलब सर एज का वैल्यू एज ना लिख के आप वन लिख दो, बात समझ आया? यस सर। यस सर, मैं जाना ही नहीं है, इतना है ऐसे कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब सर वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट हो या जो भी हो आप जो मेजर कर रहे हो पॉइंट ही होगा, डिस्टेंस होता है, और वाई एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब मुझे चाहिए सर के का वैल्यू, तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो देखो बेटा, मुझे चाहिए, क्वेश्चन में दिया भी है कि ट्रायंगल एबीसी वन यूनिट। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस जो कि ट्रायंगल का बीसी, हाँ एंड इसका हाइट जो होता है आपका ए बी। अब देखो आप गौर से देखोगे तो इधर से बीसी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इतना वाला है आपका वन, ये टोटल वाला है आपका टू, मुझे चाहिए सिर्फ ये बीच का, मतलब मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये टू माइनस वन करके ये भी वन आ जा रहा है, मतलब सर हाफ इनटू बीसी को वन लिख दो और ए बी को ए बी लिख दो और ट्रायंगल एबीसी को भी वन लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसका एरिया वन है, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका ए बी का वैल्यू आ जा रहा है जो कि आपका टू है। अब ए बी का वैल्यू मतलब क्या है, कौन ए बी है, ये वाला ए बी है, मतलब सर अगर मैं इसमें ऐसे खींचू तो ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है सर ए बी, मतलब जो कि टू, और देखो ये वाला डिस्टेंस पहले से ही मुझे मिल गया था वन, तो सर मुझे के का वैल्यू ना मिल गया क्योंकि के का वैल्यू क्या है इस पॉइंट का, के मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये एकदम आप कंटिन्यू ऐसे खींच दोगे जो कि इससे ही इक्वल हो जाएगा ना, थ्री होगा, तो सर एक के का वैल्यू सर इस केस में ये बन जा रहा है वन कमा थ्री, बात समझ आया, मतलब इस केस में के इक्वल्स टू थ्री। यस सर। अब मैं स्टार्टिंग में बोला था प्रॉब्लम करने के टाइम पे कि आप ए वाला पॉइंट को नीचे के साइड भी ले सकते हो, तो आप नीचे के साइड लेके देखो, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा, इस साइड दे देते हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा, अभी ये वाला ए को मैं इधर ले रहा हूँ, अब ये देखो ए वाला ए इधर लेंगे तो मेरा ए सी ए बन जाएगा, ये ए मान लेते हैं तो मेरा ए एन सी इस केस में ये बन जाएगा, अभी ट्रायंगल नीचे वाला हम देख रहे हैं, बट एक चीज सोचो आप, ये वाला जो टू आया है ना, ये वाला टू, सेम तरीके से ये टोटल भी आपका टू ही बनेगा, और ये टोटल टू है और हमने देखा कि ये वाला पोर्शन आपका वन है जो कि मैंने लिखा भी है इधर, ये टोटल टू है और इतना वन है, तो मुझे इतना सा वैल्यू नहीं मिलेगा क्या, समझ रहे हो आप लोग, डायग्राम समझ आ रहा है? यस सर। तो कितना आएगा ये वन वन आएगा क्योंकि ये टोटल टू है, ये वन है, तो ये वन मतलब ये वाला डिस्टेंस वन है, बट कोऑर्डिनेट मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है ना, वाई के नेगेटिव है, मतलब सर ये वाला के लिए इस पॉइंट को निकालने के लिए आप ट्रैवल कैसे करोगे जीरो जीरो से, अगर मैं जीरो जीरो से पूछ लू, क्योंकि जीरो के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, मतलब सर ये वाला पॉइंट से पहले आप इतना जाओ
जो कि वन है, मतलब पहला वाला तो वन ही होगा, जो कि इधर भी वन ही हो रहा था, बट सर नीचे के साइड आप आओगे वन डिस्टेंस, मतलब वाई के नेगेटिव साइड आप जा रहे हो, तो ये आपका माइनस वन ना हो जाएगा, मतलब इस केस में के इक्वल्स टू माइनस वन और इस केस में के इक्वल्स टू थ्री, यानी यही दो वैल्यू को आप ऐड करोगे तो के का बनेगा माइनस वन कमा थ्री एंड दिस इज द आंसर। अच्छे से देखो समझ आ रहा है नहीं, देखो कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कैलकुलेशन कुछ किया नहीं, सब डायग्राम के थ्रू बन गया, डायग्राम समझ गए भाई, डायग्राम समझा दो फिर से, नीचे वाला डायग्राम समझ, डायग्राम समझ गए ना तो बेटा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो नीचे वाला समझा देते, नीचे वाला आप क्या बोल रहे थे, देखो मैंने पहले क्या किया था, थोड़ा क्या कर सकते, थोड़ा एक ऐड ही कर लेते पेज, एक मिनट, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला के लिए पहले तो ये ड्रॉ किया हमने, बी और सी को निकाल, मैं ड्राफ्ट स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअल स्केच आप यही देख रहा, ठीक है, अच्छे से दिखाया मैंने इसमें, मैं समझाने के लिए सेकंड टाइम दिखा रहा हूँ, बी आपका वन कमा वन है, ये आपका टू कमा वन निकला है, और बी सी मतलब ए वाला अगर वन है तो ए वाला हमने वन निकाला है राइट, और हमने इधर देखा कि ए बी का वैल्यू कितना आ रहा था, कहाँ गया, ए बी का वैल्यू टू आ रहा था, तो सर ये तो आपका बी था, ये आपका सी था, दूसरा वाला पॉइंट आपने नीचे ले लिया, मतलब ये वाला आपका वन हो गया और ए सी आपका बन गया ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया, अब ए बी का वैल्यू आप टू बोल रहे हो सर, मतलब सर इतना वाला वैल्यू आपका टू हो रहा है, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये निकाला है मैंने, देखो yes, yes, और अभी क्वेश्चन में देख आप कि ये वन कमा वन है, मतलब इतना पोर्शन वन है और इतना पोर्शन भी वन ही है, तो इतना पोर्शन मतलब यही तो पोर्शन, यही तो कंटिन्यू जा रहा है ना, तो ये भी तो वन ही होगा, और ये टोटल टू है और ये इतना इतना सा वन है, तो नीचे वाला कितना आएगा, टू माइनस वन वन ना आएगा, मतलब सर ये वाला डिस्टेंस मेरा वन बन रहा है, लेंथ बोल रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट पे यही गया हूँ, मतलब इस पॉइंट के लिए मुझे जाना क्या पड़ेगा, ये जीरो जीरो से पहले इस तरफ आओ, ये वन था तो वन यूनिट, और फिर इस पॉइंट से नीचे की तरफ वन यूनिट आओ, मतलब वन यूनिट राइट एंड वन यूनिट नीचे, ये राइट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो इसका कोऑर्डिनेट वन ही बनेगा, और ए पे जाने के लिए नीचे वाले में एक आ रहे हो तो माइनस वन बनेगा, और ए का कोऑर्डिनेट आपका एच कॉमा के क्वेश्चन में दिया था, तो के के साथ का आपको ये लेना है तो के विल बी माइनस वन, एंड ऊपर वाला तो ट्रायंगल आप समझ गए हो कि कैसे कर रहे, तो जो कि उधर से थ्री आ रहा है, दोनों को मर्ज करके मेरा आंसर आ गया बेटा वन कमा सॉरी माइनस वन कमा थ्री, यस ठीक है, यस सर, yes, तो ये है आपका ये वाला प्रॉब्लम, सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही हो गया, मुझे ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा ना कुछ, ये वाला तो ट्रायंगल निकालने के लिए बोला था, वो आप माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते थे, तो मतलब जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा डायग्रामेटिक व्यू कि कैसे कैसे हो रहा है, तो आपका बहुत इजीली बन जाए, देखो डायग्राम इतना क्लमजी हो गया, एक एक चीज में दो बार करके लिखा, देखो इधर वन लिखा हूँ फिर से इधर वन लिखा वही डिस्टेंस को, तो आपको पैरेलली समझना है कि सर ये वन है, मतलब इसके पैरेलली जो जितना जा रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन के ऊपर जितना भी ऊपर से नीचे वाला लेंगे एक सकते सर इस लाइन के सारा डिस्टेंस वन हो जाएगा, क्योंकि देखो दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में कुछ भी ले लो आप, ये तो वन जो डिस्टेंस है सेम ही होगा ना सारे लाइन का, तो ये मैं बार बार इसमें किया हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है कि सर डायग्राम इतना मतलब क्लमजी है, बहुत कुछ लिख लिया आपने, ठीक है, आप नॉर्मली करोगे, अगर मैं करता तो इतना कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ कैसे कितना होता आपका दो पॉइंट, ये वाला तीनों पॉइंट लिखते आप, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते, ये वाला डिस्टेंस से आपका एरिया आ जाता और आपका ये ए बी टू आ जाता, मतलब ये टू और नीचे वाला वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा, बस हो गया प्रॉब्लम, ऊपर वाला तो थ्री आया था तो माइनस वन का मतलब इतना में हो जाता, अगर आपने अच्छे से अगर आपका डायग्रामेटिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, तो बात समझ आया मेरा, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है, चलो दूसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं बोला मैंने आज, बट प्रॉब्लम इतना बेसिक नहीं लगेगा अगर आपको ठीक ठाक कंसेप्ट नहीं होगा तो, ठीक है, चलो दूसरा वाला देखो क्या दिया है सर, बोल रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए एंड डी,
ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी, मतलब एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसका आपको वर्टिसेस दिया है एडी लाई ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एंड वाई का पॉजिटिव साइड में है। अब एक्स वाई का पॉजिटिव साइड मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कोई बोल सकता है मुझे? फर्स्ट, क्योंकि ही वाला दोनों ही प्लस है, मतलब इसका ही पॉजिटिव इसका ही पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बोल रहे इफ द वर्टेक्स सी इज द पॉइंट दिस, अच्छा सी का क्वाड्रेंट बोल दिया, देन द क्वाड्रेंट ऑफ बी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन मुझे लगभग समझ आ गया, और इस क्वेश्चन के साथ में एक डायग्राम दिया था इन लोगों ने भी, तो मैं डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था आपका डायग्राम। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। अब बोल क्या रहा है, आपका ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, जहां की आपका ए डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, तो लगभग आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्क्वायर बना है, इतना स्क्वायर तो नहीं है बट ठीक है, काम चलने लायक तो है एटलीस्ट। तो ये आपका है जहां की आपको बोल रहा है ए डी स्क्वायर, ए डी इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डी ले रहा हूँ, इसको ए ले रहा हूँ, दिस इज बी, अच्छा ये वाला डी, ये वाला ए बी एंड सी। क्वेश्चन में आपको दिया है सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 12.13, तो ये आपका 12.17 ये बन रहा है, ठीक है ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये एक स्क्वायर है, हाँ या ना बोलो? यस सर, ठीक है। ये तो सर समझ रहे हैं कि ये सर आपका ये है। अच्छा पहले ये चीज बोलो मुझे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, कि x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से सर दिया है 12, मतलब सर ये वाला आपका 12 हो जाएगा, समझ आया ये बात? yes, मतलब yes, इसके पैरेलल जो लाइन हम खींचेंगे जो होगा ऐसा, तो इस केस में ये वाला भी 12 ही होगा सर। और ये आपका 17 क्या है? मतलब सर ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो ये डॉटेड लाइन ही होगा, तो इसको मैं साइड में करके लिख देता हूँ, ये वाला आपका इधर नहीं लिख के मैं ऐसे ऐसे करके, नहीं तो पिक्चर थोड़ा गंदा हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है? 17 है, समझ आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए बी का कोऑर्डिनेट, तो मैं बी से ना एक ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ। मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब मुझे निकालना है पहले ये वाला डिस्टेंस एंड देन ये वाला डिस्टेंस, राइट? फिर तो हो जाएगा ये बी वाला बी का, हाँ यार बोलो। यस सर, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये वाला एंगल को ना पहले थीटा लूंगा मैं, और कोई मुझे बोलो कि स्क्वायर में ईच एंगल कितना होता है, बीच वाला सबका सब एंगल 90 डिग्री, मतलब सर ये वाला 90, सर ये वाला 90 90 90, ठीक है। तो अगर इसको थीटा ले लिया, इसको 90 ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब देखो टोटल आएगा आपका 180, इसपे से 90 माइनस करो थीटा माइनस करो, तो देखो ये अल्टीमेटली 90 माइनस थीटा ना बन रहा है। Yes, sir. तो इसको हम लिख देंगे ये वाला को 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, ये वाला देखो थीटा हो रहा है 90 माइनस थीटा, ये भी तो 90 डिग्री ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री तो होगा,
देखो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 है, तो ये वाला एंगल फिर से आपका थीटा बन जाएगा। आप करके देखो, 180 डिग्री से माइनस करो 90, माइनस थीटा करोगे तो प्लस थीटा, और इधर क्या आ रहा है देखो, ये 180 होगा सॉरी। और इसका आपका कितना आ रहा था ना, ये वाला 90 है, तो 90, तो देखो 180 ये दोनों कैंसिल होकर थीटा आ गया से, तो ये वाला थीटा हो जा रहा है। बात समझ आया बेटा? यस सर। मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ जाओगे आप। एंड तीसरा वाला जो है, इधर देखो आप, ये 90 है सॉरी, ये थीटा है, ये 90 है, तो फिर से ये वाला 90 माइनस थीटा बन जाएगा जो कि इधर हुआ था। ठीक है, और फिर से ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला तो 90 ऑलरेडी है, तो सर फिर से ये वाला थीटा ना बन जाएगा। यस सर। अब गौर से देखो, इधर मैं एक चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये निकालने का मतलब मकसद यही है कि ट्रायंगल आप बी, इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो ये वाला पॉइंट का नाम देते हैं, कितना कितना आया है, ए बी सी डी आया है, तो ये पॉइंट नाम देते हैं ई, ये वाला पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी डी ई, इसको नाम देते हैं एफ। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको ट्राइंगल ए सॉरी बी ई एंड ए को देखना है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला देख पा रहे हो ना, बी ए कौन सा मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम देखो अच्छे से। ठीक है, ये आपका ई लिखा है, समझ आ रहा है? अच्छा, यस सर। यस सर। पहले ये चीज बोलो, क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंस, किस किस को याद है थोड़ा? या भूल ही चुके हो एकदम, कुछ धुंधला सा लग रहा है सर? हाँ, सर पढ़ ही आपने तो क्या रहा। बोला? सर सुनाई नहीं दी मुझे। अच्छा बेटा, मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्लास 10 में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी। अब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक दे। हाँ, यस मतलब दोनों अगर पूरा तरह से ढक रहा है, मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर ऐसा ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो दोनों ही ट्रायंगल सेम हो गया ना, ये कंग्रुएंसी में होता था। सर। बट सिमिलरिटी में क्या होता, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, जैसे कि ये वाला मानते हैं और ये वाला मानते हैं, तो इनका रेशियो सेम होता था बट दिखने में सेम नहीं होता था। बट कॉन्ग्रुएंस मतलब आपका दूसरा सेम दिखने लायक, एकदम कॉपी। ठीक है, तो इसका कुछ रूल कहता था, रूल था कि सर साइड एंगल साइड ऐसा करें, कुछ ऐसे ऐसे रूल था आपका, तो यस इसको हम यूज करके ये सर। दिखाएंगे कि इधर आपका तीनों ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल बी ई ए, ट्रायंगल आपका, अच्छा ये वाला ओ देंगे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी एफ सी, ये तीनों ही आपका कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे हो रहा है सर देखो। एंगल सेम इन। हाँ देखो, पहला बात तो ये है बेटा, सब में एक 90 डिग्री है, तीनों में ही मतलब, तो एक एंगल मिल गया। अब देखो सार तीनों ट्रायंगल का ही हाइपोटेन्यूज सेम है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, और तीनों ही तो क्या है, स्क्वायर का साइड है, मतलब सर तीनों ही सेम है मतलब साइड। और दूसरा देखो इधर, ये वाला इसका थीटा है, इसका ये वाला थीटा, इसका ये वाला थीटा, तो फिर से आएंगे, तो ये बन गया आपका कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये तीनों बेसिकली सेम टू सेम दिखने लायक ट्रायंगल है, और इसका लेंथ बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो ये रहा कॉन्ग्रुएंस, तो हो गया, तो इससे अब क्या होगा मेरा कॉन्ग्रुएंस बनने से, तो कॉन्ग्रुएंस होने से मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला साइड सेम होगा, ये वाला साइड सेम होगा, ये वाला साइड सेम होगा, ऐसा है ना, सब कुछ यस सेम सर। होता है, सब कुछ आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम, तो इसको ही यूज करेंगे। देख, अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या था, ये 12.17 हमने देख लिया था, ये 17 है और ये 12 है, ये 12 है, मतलब आप एक चीज देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल का थीटा के साथ जे जो दो साइड्स एसोसिएटेड है,
वो एक है आपका हाइपोटेन्यूज, दूसरा है आपका एक साइड, हाँ या ना? मतलब दूसरा वाला एक तो हाइपोटेन्यूज जो कि साढ़े ट्रायंगल में इक्वल है, मतलब जो दूसरा वाला साइड है वो 12 है, तो बाकी ट्रायंगल में भी सर थीटा के साथ जो दो साइड्स है उसमें से हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दूसरा वाला साइड आपका 12 होगा। बात समझ आया मेरा? यस सर। मतलब सर ये वाला देखो, ये वाला के लिए थीटा दो साइड से ऐसे रहता है, एक आपका हाइपोटेन्यूज जो कि ऑलरेडी इक्वल है, दूसरा आपका आ रहा है ये वाला डीओ, बहुत को, तो ये वाला आपका 12 भी हो जाएगा, और ऑलरेडी ये टोटल वाला 17 था, तो मैं अगर बोलने जाऊंगा आपको तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, ये वाला थोड़ा ऊपर कर दिया सर, 5। हाँ सर 5। ये वाला मेरा बन जाएगा, लेबलिंग ठीक नहीं पड़ा, ये इधर लगते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस सर बन जाएगा 17 - 12 5। और ये वाला डिस्टेंस, अच्छा ये वाला डिस्टेंस 12 हो गया, तो दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि सर तीसरा ट्रायंगल में जो कि ये वाला है थीटा के साथ जो दो साइड्स है हाइपोटेन्यूज छोड़ के ये वाला साइड फिर से, मतलब ए ई आपका 12 भी बनेगा। यस सर। और देखो ये वाला 5 है, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि ये एफ डी का वैल्यू 5 है, और एफ डी बेसिकली क्या है, ये ट्रायंगल का जो साइड थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है उसका लेंथ 5 है, मतलब तीसरे ट्रायंगल या दूसरे ट्रायंगल में भी सर ओ ए जो कि आपका सेकंड ट्रायंगल का वो साइड जो कि आपको थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो 5 आएगा, तीसरा में भी आपका क्या आ जाएगा सर, जो साइड थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है जो कि बी ई वो भी 5 बनेगा। ये बात समझ आया? तो मतलब सर ये क्या हो जा रहा है, मेरा ये जो है टोटल, ये जो टोटल है इतना सा सर मेरा क्या बन जा रहा था, ये टोटल तो मुझे मिल, देखो बी निकालने के लिए टोटल चाहिए ना, मतलब ओ ई चाहिए ना मुझे, तो ई को मैं ए ओ प्लस ए ई लिख सकता हूँ, और इधर देखो ओ ए एंड ए ई दोनों ही इधर है, तो लिख दो इसको 5 + 12 मतलब 17। बी का जो पहला वाला है ये आपका आएगा बेटा 17, और दूसरा ये लेंथ जो कि 5 है, क्योंकि ये इसी का, देखो ये वाला कौन सा साइड है, अभी बोला थीटा के साथ जो एसोसिएटेड नहीं था वो वाला साइड आपका 5 आ रहा था, तो ये वाला भी 5 आएगा, मतलब ये 5 है, तो मुझे बी का मिल गया आंसर आपका हो जाएगा 17.5, मतलब ऑप्शन सी, आपको निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ बी। टोटल क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का था, ये अच्छा प्रॉब्लम है, समझ आया सबको? यस सर। कंग्रुएंस का भी इसमें थोड़ा रोल था, कंग्रुएंस को यूज करके पोस्टिंग को बनाया गया था, कुछ नहीं देखो मैंने कुछ लिखा भी नहीं, टोटल डायग्राम से समझ आ गया मुझे, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है चलो, तो ये मेरा दूसरा वाला था, तो अभी थोड़ा दूसरा वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम, जो कि आता है इसके बाद। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी जो स्टार्टिंग वाला हमने देखा वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन था राइट? यस सर। दूसरा वाला जो है ये पोलर है, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ और होगा, तो कैसे करते हैं देखते हैं, तो इसके पहले थोड़ा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये सर वाई, ये सर एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है, समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, जो कि आप अभी पहले में करते थे, कोई भी एक पॉइंट ले रहे थे एक्स कमा वाई, सर एक्स था आपका ये और ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ऐसे कर रहे थे, बट इसमें कुछ स्टोरी अलग है, ये आपका कार्टेशियन में था,
इसमें क्या करेंगे, जो पॉइंट आप ले रहे हो ये वाला, पहले आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऐसे लाइन खींच दो और ये लाइन का जो लेंथ है वो लिख दो, जो कि हम लिखेंगे आर से, मान लेते हैं ये आर है, ठीक है? यस सर। दूसरा है आपका ये वाला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ इसी डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन जो एरो का डायरेक्शन मैंने लिया, इस डायरेक्शन में कितना एंगल है वो थीटा, ये दो से बनता है और इसको हम लिखते हैं आर कॉमा थीटा, आर फॉर दिस लेंथ, थीटा फॉर ये वाला लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के था इसी डायरेक्शन, जो कि ये वाला डायरेक्शन मैंने अभी दिखाया। आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस में आपका ये होगा, तो ये आर एंड थीटा, यही आपका होता है पोलर पॉइंट और कुछ नहीं। और ये जो आर है, बेसिकली आर है लेंथ और ये थीटा है आपका एंगल इन रेडियन, रेडियन में लिखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ और में लिखोगे तो गलत होगा, इन जनरल रेडियन में लिखना है। रेडियन मतलब सर वो पाई से रिलेटेड, ठीक है? यस सर। चलो इसमें और कुछ है नहीं, इसका प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम से ही आपको समझ आएगा चीज, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें समझने लायक क्या ही है, और एक एक पॉइंट है, एक ये है, तो हो जाएगा। सर आपने जो ये आर लिया, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव या जीरो? पहले आप बोलो आर क्या है, मैंने लिखा है लेंथ, लेंथ क्या हो सकता है आपको? पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आपको ही मिल जाएगा। यस सर, ठीक है बेटा, तो चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका, ये पिछले वाला कितना प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन 2। ये बोल रहा है ए सी एंड बी डी आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 5, π/3। मतलब ए का कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं, ये पोलर में दिया है, क्योंकि ये x, y तो है नहीं, 5, π/3 तो पहला लेंथ, दूसरा एंगल, मतलब पोलर फॉर्म में दिया है, एंड एंगल DOC इक्वल्स टू π/2, देन फाइंड coordinates of B, C and D in polar form, ठीक है? इसका भी एक डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। तो ये रहा आपका डायग्राम जो दिया था क्वेश्चन में, और थोड़ा दिया था ये सब पॉइंट्स के बारे में, ये पॉइंट आपका बन जाएगा ए, ये बनेगा आपका बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, और ये वाला पॉइंट ई दिया है, और ये वाला पॉइंट एफ दिया है,
ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज बोल दिया है, ए सी बी डी आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, ये मतलब ओरिजिन है, मतलब ये जीरो है। अब देखो एक चीज, तो ओरिजिन ए का दिया क्या है बेटा, 5.π/3, मतलब ये जो पहला वाला है क्या है, 5 का मतलब क्या है, 5 क्या होता है, अभी अभी हमने दिखाया लेंथ, किसका लेंथ, कहां से, उधर ओ का लेंथ। हाँ मतलब सर यही लेंथ है ना, यही वाला लेंथ तो है आपका 5, और ये सर्कल का सेंटर है तो ये वाला 5 है, तो सर ये वाला भी तो 5 आ जाएगा, और सर ये वाला भी तो 5 ही ना आ जाएगा, और ये वाला भी तो 5 ही ना आ जाएगा। मतलब सर अगर लेंथ मिल जा रहा है तो सारे क्वाड्रेंट का, मतलब अगर मैं लिखने जाऊं सर, बी का पहला वाला तो 5 होगा, सी का पहला वाला सर 5 होगा, डी का पहला वाला भी 5 ही हो जाएगा, दूसरा वाला हमें निकालना होगा। बात समझ आया? Yes, इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं इस डायग्राम को, इसको दूसरा में पेस्ट कर देंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, अभी बाकी चीज इसमें इरेज कर देंगे हम, ये पहले डायग्राम में आपको मिल गया है ऑलरेडी। ये वाला इफ है, इसको रखना होगा। हाँ अब हमें चाहिए क्या, अब देखो ये 5 है, मतलब हमें मालूम है कि बेटा ये अगर ओ होगा तो ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ, ये सारे के सारा इक्वल्स टू 5 है। हाँ या ना बोलो। और देखो ये वाला पाई बाई थ्री दिया है, ये वाला पाई बाई थ्री मतलब ये जो आपका एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आपका पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री है। Yes, अब देखो बी का मुझे पहला वाला मालूम है जो कि 5 है, दूसरे वाले के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा। Yes, sir. अब क्वेश्चन में दूसरा एक चीज दिया है, देखो बी ओ सी का वैल्यू पाई बाई टू दिया है, बी ओ सी मतलब सर ये वाला 90 डिग्री है, बट सर ये टोटल अगर 180 तो है, मतलब ये दूसरा वाला भी तो सर 90 ही ना हो जाएगा। Yes, sir. फिर से मैं बोल सकता हूँ सर ये टोटल तो 180 है, तो ये 90 तो दूसरा वाला ये भी तो 90 ही आएगा। एंड सेम लॉजिक से आप बोलोगे सर ये वाला भी 90 ही आएगा, ये वाला भी तो 90 आएगा, मतलब सारे एंगल्स 90 आ जा रहा है बीच का। समझ आया मेरा बात? एक बार देखो क्वेश्चन में बीओसी दिया था बेटा पाई बाई टू, मतलब मैं एक बार इडेजी कर देता हूँ, ये बीओसी पाई बाई टू मतलब 90 है, ठीक है? यस सर। यस सर। ये टोटल तो 180 है, तो ये बीच का कितना बन जाएगा फिर? सर ये भी 90 हो जाएगा। बस सेम तरीके से आप बोल सकते हो सर ये टोटल आपका 180 है, ये वाला 90, तो सर ये वाला भी 90 बनेगा, सेम तरीके से आपका ये वाला भी 90 ही बनेगा। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. और मुझे चाहिए B का एंगल, मतलब सर मुझे इधर से एंगल चाहिए इतना, ये ऑलरेडी 60 है और ये 90, तो 90 प्लस 60 बन जाएगा सर ये 150 डिग्री, बट मुझे मुझे इसको लिखना है पाई में, मतलब पाई में अगर लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 5π/6, 5π/6। समझ आ गया? Yes, sir. अब सेम तरीके से देखो मुझे सी के लिए क्या चाहिए, पहला वाला मुझे मालूम है 5 है जो कि इधर दिखाया था मैं, देखो ठीक है, तो ये तो 5 है सर। दूसरा वाला के लिए मुझे एंगल कौन सा चाहिए, इधर से एंगल चाहिए, इधर से चाहिए ये टोटल। अब देखो इतना तक तो सर 150 था, एक्स्ट्रा ये ऐड करना है जो कि 90 है इधर दिख रहा है, मतलब ये 150 के साथ ही 90 ऐड करने से ये सी का आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. मतलब सर ये 150 प्लस 90 जो कि बनेगा 40, और इसको पाई में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 4π/3, एंड ये आपका बन जाएगा 4π/3। सेम तरीके से अगर हम
इसका मतलब डी का बोले तो इधर से हमें लेना है एकदम आपका इतना तक, और इस एफ सी तक ले लिया था जो कि 4π/3 मतलब 240 आया था, इसके साथ 90 ऐड करने से ही ना ये डी मिल जाएगा, मतलब सर कितना बनेगा सर 330, मतलब डी का पहला तो 5 था, दूसरा आपका 330 जो कि आप करोगे तो ये आपका कितना आएगा 11π/6 आएगा, क्योंकि अगर 11 × π करोगे तो 180° / 6 तो 630, हाँ तो ये 30, हाँ 330° मतलब सर 11π/6 बस बन गया आपका प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था बी सी डी का निकालो पोलर फॉर्म में, ये आपका आ गया बी का, ये आपका आ गया सी का, ये आपका आ गया डी का, आंसर खत्म। टोटल चीज देखो डायग्राम, एक भी चीज मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो एंगल कैलकुलेट किया है बस, सिर्फ डायग्रामेटिक व्यू था, डायग्राम से बन जाएगा, डायग्राम अच्छे से समझोगे, कुछ पेन एंड पेपर का जरूरत भी नहीं पड़ सकते अगर बहुत अच्छा मतलब आपका कैलकुलेशन होगा तो। तो समझ आ रहा है चीज, था कुछ नहीं प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम को ऐसे घुमा सकता है, कुछ घुमाने वाला प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है, मेन सा प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं ऐसे ही रख दिया था बस, पोलर का मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में बहुत कुछ नहीं है तो इसका एक प्रॉब्लम ऐड कर दिया था कि समझने के लिए कैसे हो रहा है रोटेशन वगैरह एंड बाकी और, ठीक है ठीक है। दूसरा जो कि रिलेशन होता है किसके साथ, कार्टेशियन एंड पोलर का, ये भी देख लेंगे हम। रिलेशन इन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे, सिर्फ डायग्राम समझ लेना बात बन जाएगा, मतलब 50% बन जाता है, 50% क्यों, उससे ज्यादा बन जाएगा आपका डायग्राम अगर अच्छे से समझोगे तो। ये ज्यादा मोटा हो गया, एक मिनट। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट, अरे ये आपका वाई एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, बाकी दो आप लिख सकते हो वाई डैश एंड एक्स डैश। सो हम कोई भी पॉइंट लेते हैं जे जो कि आपका इधर है, जो कि हम पी ले रहे हैं एक्स कमा, अच्छा पी हम पोलर में लेते हैं आर कमा थीटा, मतलब सर ये वाला जो है डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा, हाँ या ना बोलो, अभी अभी दिखाया है चीज, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो मुझे क्या समझ आ रहा है इधर से, देखो अगर मैं करूंगा तो इसको क्या समझ आएगा इधर से, मुझे अब इसको किसके थ्रू देखना है, मुझे वो पहले वाले के थ्रू, मतलब कार्टेशियन में हम जैसे देखते थे ना उस वाला से दिखेंगे, मतलब अगर कार्टेशियन में पी को हम एक्स वाई लेंगे, मान लेते यही वाला चीज कार्टेशियन में एक्स कमा वाई है, सब बात समझ रहे हो, यही पी को मैं एक्स कमा वाई में लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। मतलब सर ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला एक्स कमा वाई है, तो इधर से अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन लिख लूंगा सर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा एक्स ना बन जाएगा, और ये वाला जो है मेरा वाई ना बन जाएगा, बोलो बेटा समझ आया जी इसको। yes, नहीं है। अब इसके साथ मुझे रिलेशन निकालना है आर एंड थीटा। अब देखो ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लूंगा जिसका मैं नाम नेमिंग दे रहा हूँ, ये पी तो इसका है ही पॉइंट, ये वाला ए दे दो, ये वाला पी दे देते हैं, ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को बी, मतलब ट्रायंगल पी ए बी को लेंगे, अगर ट्रायंगल पी ए बी को लेंगे देखो इधर से हम क्या करेंगे साइन थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, देखो साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब वाई बाय आर हो जाएगा, वाई बाय आर, मतलब सर इधर से अगर वाई निकालने जाएंगे तो आर साइन थीटा आएगा, एंड अगर कॉस थीटा निकालने जाऊंगा इधर से तो सर क्या आ जाएगा एक्स बाई आर, मतलब सर एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, हाँ या ना बोलो। तो हमें मालूम है
अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे वन, इसको देंगे टू, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर करेंगे, सर लेफ्ट में आएगा सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट में आएगा सर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये सर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन लेंगे आर स्क्वायर तो ये सिर्फ आर स्क्वायर करेगा क्योंकि दिस इज वन ओनली, तो आपका फाइनली ये रिलेशन जान जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो कि आपका रिलेशन है। देखो एक्स वाई था आपका कार्टेशियन में, ये आपका पोलर में, और दूसरा आपका थीटा भी आया क्योंकि देखो आर से तो सिर्फ लेके रहे थीटा भी तो चाहिए ना, थीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वन डिवाइड बाई टू कर देंगे, वन डिवाइडेड बाई टू तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल्स टू, तो वाई बाई एक्स होगा जो कि आपका आएगा आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, और देखो आर आर कैंसिल तो साइन बाई कॉस बेटा हो जाएगा आपका टेन थीटा जो कि वाई बाई एक्स, इधर से आप थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो, एंड यही है आपका दो रिलेशन मतलब कार्टेशियन के साथ ये जो मिलता है। यस सर, ठीक है। यस सर, तो ये था आपका, तो इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम देखेंगे, ठीक है। आज टाइम भी हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, आज पहला वाला क्लास था इसका, तो थोड़ा मतलब मैं और एक प्रॉब्लम भी रखा था इसका, देख लेंगे ये वाला, कल भी क्लास है थोड़ा, कोई नहीं, आप रिवीजन अच्छे से करो, आज कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ इसका, क्योंकि ये बेसिक्स था, बहुत दो प्रॉब्लम कराया, जो अच्छे से आप देख लेना, मैं नोट्स भी भेज दूंगा आपको, ठीक है बेटा। यस सर, गुड नाइट। ठीक है बेटा, सबको गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन जरूर करो, रिवीजन जरूर करो, ठीक है बेटा।